अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे न्यूटेला रोल्स। तो न्यूटेला रोल्स के लिए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वाइट ब्रेड चाहिए। प्लीज़ ये वाइट ब्रेड के अंदर ही बनाइएगा, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में इसका बिल्कुल मज़े का फ्लेवर नहीं आएगा। तो वाइट ब्रेड के आप जो साइड्स हैं उनको कट करके सेपरेट कर लें, उसके ब्रेड क्रम्स बना के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखें वाइट ब्रेड को सेपरेट किया, उसके साइड्स को मैंने सेपरेट किया है और उसको मैंने न्यूटेला लगाया है और उसका मैंने ऐसे रोल बना लिया है। कुछ लोग इसको ब्रेड को पहले फ्लैट करते हैं रोलर के साथ, देन इसके ऊपर न्यूटेला अप्लाई करते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें एज इट इज़ भी कितना ईजीली रोल हो रहा है। ट्राई करनी चाहिए कि काम अगर आसानी से और कम टाइम में हो रहा है तो उसको कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से ये रोल हो रहे हैं विदाउट फ्लैट किए भी। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल्स फ्लैट करके इसको रख लिया सेपरेट, और टू एग्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। इनके अंदर थोड़ा सा मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया, आपकी मर्ज़ी है अगर बटर ऐड करना है तो। और इसके अंदर 2 टीस्पून जो है मैं ब्राउन शुगर की ऐड कर रही हूँ। आपके पास वाइट शुगर है तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। और ये थोड़ा सा सिनेमन मैं ऐड कर रही हूँ, जस्ट अ पिंच सिनेमन ऐड किया है। सिनेमन का इसमें फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, मुझे सिनेमन बहुत पसंद है पर्सनली। अगर आपको सिनेमन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप मत ऐड करें, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर आप जस्ट 2 टेबलस्पून बटर मिल्क का डाला है। बटर मिल्क बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। घर में जो भी दूध पड़ा है आप उसको थोड़ा सा उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन के डालें वार्म करके, तो वो आपका रेडी हो जाएगा बटर मिल्क। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया है इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल, और ये मैं इसके अंदर डिप करके अच्छे तरीके से तो इसको फ्राई करने लगी हूँ। अच्छे तरीके से प्लीज़ डिप कीजिएगा ताकि इसकी जो है कोटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये जो हमने एग्स का बैटर बनाया और बटर का और सिनेमन एंड शुगर का, शुगर मैंने कम डाली है क्योंकि ऑलरेडी न्यूटेला इसके अंदर है, तो शुगर कम ही हो तो इसकी जो इसका फ्लेवर है वो आपको बहुत अच्छा आएगा। अगर ज़्यादा शुगर डालेंगे तो वो टू मच स्वीट भी हो जाएगा और टू रिच हो जाएगा, तो बेटर है कि आप शुगर कम ही यूज़ करें। सो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से डिप करके तो इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको आपने मीडियम टू लो स्पीड के ऊपर, फ्लेम के ऊपर सॉरी, इसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे तरीके से ये पकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने रेडी किए हैं फिलहाल 4 रेडी किए हैं रोल्स। अच्छा जी, तो इसका ये जो एक सीक्रेट है वो मैं आपको इंशाल्लाह रेसिपी के एंड में शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो रोल्स हैं मेरे माशाल्लाह डन हो रहे हैं, और ये बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट लगता है। मेरी बेटी जो है उसने बहुत शौक से ये खाया था, उसको मैंने एक ये न्यू चीज़ ट्राई करवाई थी तो उसने बहुत मज़े से ये खाया था। उसके बाद फिर हमारे घर में अक्सर ये बनता रहता है एज अ ब्रेकफास्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करके रोल कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरीज भी आप रख के इसको रोल कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। मैंने ट्राई की थी स्ट्रॉबेरीज भी, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। इसके साथ एक यूनिक मतलब इसका ब्रेकफास्ट आप कह लेंगे रेडी हो जाता है। डेली बेसिस पे जो आपकी ब्रेकफास्ट है उसको एक चेंज मिल जाता है। इसको हम लोगों ने चारों तरफ से ब्राउन करना है, आप देख सकते हैं मैं इसको सारी तरफ जो है वहाँ से ब्राउन कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने एग की कोटिंग की है तो एग कहीं से हमारा कच्चा ना रह जाए। इस वजह से मैंने इसको ऑल साइड से रेडी कर लिया है। एज यू कैन सी वेल डन हो गए हैं और बहुत मज़े के ये लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने भी थे। तो सीक्रेट इसका ये था जी कि आपने इसको फ्राई करने से पहले 1/2 आवर और 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़ करना है। जब आपने न्यूटेला लगा के रोल्स इसके रेडी कर लेने तो इसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। उससे ये होगा कि न्यूटेला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रोल्स को फ्रीज़ कर लिया था 15 मिनट्स के लिए। तो अब मैंने इसके ऊपर लास्ट में कैस्टर शुगर स्प्रिंकल की है, और इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन थी वो मैंने जब नेक्स्ट टाइम बनाए थे तब मैंने की थी, जिसकी पिक मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़।